नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको प्री अप्रूव कवच पर्सनल लोन मिला है तो आप उसको किस तरीके से अवेल करेंगे एक डेमो के साथ। कवच लोन के बारे में मैं बता दूं आपको कि कोरोना वायरस से जो परेशान हुए या जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं हॉस्पिटल वगैरह में, उसको उसके लिए आपको ये लोन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट बैंक के सहयोग से। तो जनरली इसके अंदर आपको सिर्फ एक इस तरह का डिक्लेरेशन देना होता है कि पिछले 1 महीने के अंदर आपके परिवार में कोई ना कोई सदस्य कोविड से परेशान हुआ है और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आप ये लोन ले रहे हैं। जब भी आपको ये लोन अवेल होगा तो आप अगर योनो के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह का दिखेगा कि आपको SBI कोविड कवच पर्सनल लोन मिला है जिसको आप अवेल कर सकते हैं बिना ब्रांच विजिट करें, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5%, यानी कि इंडिया में 8.5% के पर पर्सनल लोन कोई भी बैंक नहीं दे रहा है इस वक्त। सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ तक कि अगर आप SBI में एक्सप्रेस क्रेडिट लेने जाएंगे तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8.5% से ज़्यादा ही रहेगी। अब आप इसको दो तरीके से अवेल कर सकते हैं। आप योनो ऐप के माध्यम से अवेल कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। लेकिन कई बार क्या होता है, योनो ऐप के में आपको नोटिफिकेशन वो सही ढंग से नहीं आता और वहाँ पर ऑप्शन नहीं आता कि आप अवेल कर पाए। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप वेब पोर्टल, यानी कि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, नहीं तो ऊपर आप देख सकते हैं, इसको अपने ब्राउजर में टाइप करके आप ये अवेल कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइव डेमो बताता हूँ किस तरीके से आपको इस वेबसाइट पर जाकर इसको लोन को अवेल करना है। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी। जैसे ही आप कवच पर्सनल लोन लेना चाहेंगे, आपको यहाँ पर अपने इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देने हैं। उसके बाद आपको लॉगिन की बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP एंटर करने के बाद आप सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे। आप पहली स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज है कि आप सिर्फ 3-4 क्लिक करने के बाद SBI कवच पर्सनल लोन अवेल कर सकते हैं। अवेल नाउ की बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपकी फैमिली में या आप खुद कोविड से इफेक्ट हुए हैं पिछले 30 दिन में। डिक्लेरेशन देने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर सिस्टम बता रहा है आपको कि 1,68,000 का पर्सनल लोन कवच लोन आपको मिल सकता है। इसके अंदर आप चाहे तो अमाउंट को वेरी कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 8.5% लगेगी। 60 मंथ्स के लिए आपको ये मिलेगा। इसके अंदर गौर करने वाली बात यह है कि आपको पेमेंट सिर्फ 57 मंथ के लिए करना है, वो भी 3 महीने बाद। मतलब 3 महीने का SBI ने आपको मॉरेटोरियम पीरियड दिया हुआ है इसके अंदर। जैसे कि आज है 10 अगस्त और मैं इसकी रीपेमेंट शुरू करूँगा 10 नवम्बर से। ये सब सेलेक्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। टर्म्स एंड कंडीशन रिव्यू मैं कर सकता हूँ कि मेरी EMI 3,669 रुपये आएगी। फिर मैं टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंफर्मेशन की बटन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। इसके अंदर ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। अब सिस्टम आपके मोबाइल पर एक OTP भेजेगा, आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है। जब आप OTP एंटर कर देंगे और नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि अब आपका लोन सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में आपके अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट हो जाएगा। अब आइए हम सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे लोन वो क्रेडिट हुआ है। ये देखिए, आप जैसे ही सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट खोलेंगे, ये देखिए 9 अगस्त का, ये तुरंत 1,68,000 सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुका है। मतलब ये बिल्कुल इंस्टेंट हुआ। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।